जिला सोलन में 4 वर्षों से निरंतर सामाजिक भलाई के लिए कार्य निस्वार्थ भाव से किया जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे शारीरिक तौर से अक्षम, अल्प विकसित, गूंगे, बहरे और अंधे हैं, उनके लिए निशुल्क चिकित्सा शिविर लग रहे हैं, जिसमें अक्षम बच्चों का इलाज तो किया जाता ही है, साथ में उन्हें निशुल्क दवाइयां भी दी जाती हैं, जिसमें अक्षम बच्चे न केवल सोलन से बल्कि हिमाचल के साथ साथ पड़ोसी राज्यों से भी अपना इलाज करवाने पहुंचते हैं। अधिक जानकारी देते हुए मां सुलनी सेवा दल के अध्यक्ष सुशील चौधरी ने बताया कि उनके इस शिविर में शारीरिक तौर पर अक्षम लोगों का तो निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं दी जाती ही हैं, साथ ही इस बार मन बुद्धि बच्चों के लिए भी निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा भी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि भारत के जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर सुरमित सिंह मावी इस कैंप में अपनी बहुमूल्य सेवाएं देंगे। 4 तारीख को हम एक कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। इस कैंप में हम स्पेशल उन्हीं बच्चों के लिए ये कैंप लगाते हैं जो कि मंदबुद्धि बच्चे हैं, जो अल्पविकसित हैं, किसी भी कारणवश उनकी किसी न किसी शारीरिक रूप से अक्षम है। और हमारे ये जो कैंप है, ये होम्योपैथी का कैंप है, ये स्पेशलाइज कैंप है। ये 3 महीने के बाद वहां शुल्ली परिसर, मंदिर परिसर टेम्पल में लगाया जाता है। और इस कैंप में हमारे जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर सुरमित मावी और उनकी टीम स्पेशल हर्फ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन करके हमारी वहां शुल्ली सेवा दल इस कैंप को लगाता है। और इसमें 3 महीने की दवाइयां भी हमारे कैंप ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ही मुफ्त दी जाती है। हम आने वाले समय में हम एक ओल्ड एज होम यहाँ पर सोलन में बनाना चाह रहे हैं और उसमें हमने जमीन को ऑलमोस्ट फाइनल कर लिया है। गवर्नमेंट को ये प्रोजेक्ट जाना है और जल्द ही हमें विश्वास है वो जमीन हमें अलॉट हो जाएगी और हम आने वाले समय में यहाँ पर एक ओल्ड एज होम प्रोजेक्ट को शुरू कर देंगे।